की गलती हमेशा कभी नहीं होता है, बट है क्या मैम, अब क्या करें, अब एक लड़का चलते सब बदनाम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने वैसा इनका एक काम है, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, काफी अच्छा स्टेप है इनका। अभी तो आप कह रहे थे कि लड़का लड़की एकदम बराबर है। बराबर है मैम, लेकिन कुछ लड़का हम नहीं मान सकते। ये बताइए, हमेशा ये आता है जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, मोलेस्टेशन के केस आते हैं, उसमें होता है कि लड़की की गलती है, वो छोटे कपड़े पहन के क्यों निकली, मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रही है, आधी रात में क्यों निकली, क्या आप लोग भी लड़कियों को जिम्मेदार ठहराते हैं इन मामलों का? देखिए, जिम्मेदार अब जिस तरह का एक वेशभूषा रहना चाहिए समाज में, ठीक है, अब एडॉप्ट आप वेस्टर्न कंट्री को आप करते हैं कॉस्ट्यूम वगैरह इस सब को लेकर, तो थोड़ी सी वहाँ पे एक विपत्ति महसूस होती है, क्योंकि वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं, लड़की को अधिकार नहीं होना चाहिए, अधिकार होनी चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं 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 आपको नहीं लगता है कि इसमें लड़कों की गलती है? मैं ये कहूँ लड़की का मैम, इसे टाइम से कोशिश करे पहले पहुँचना चाहिए, लड़का लड़की में अंतर है मैम, इसे रात से हम लोग 10 नहीं 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 हम सुनिए मैडम, हम लड़की सुरक्षा के लिए, देखिए मैम सब लड़का एक समान नहीं है अपना भारत देश कहीं भी में। अच्छा। हमारा कहना है कि जैसे लड़की हुआ तो 10 बजे क्यों मतलब वो मार्केटिंग या कहीं वो पीस है। अच्छा, लड़का जा सकता है, लड़का चौक चौराहा पे चाय पे दुकान पे बैठ सकता है। हम ये सरकार गवर्नमेंट से जॉब होता है मैम तो नहीं, एक्चुअली देखिए ये 10% जो 5% जो कहते हैं कि लड़कियों की गलती, तो 95% उसमें गलती नहीं हो सकते ना। जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर ये 2-3% लड़का बोल रहा है या जो भी बोल रहे हैं कि ये लड़कियों की गलती है छोटे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो आप 97% को भी देखिए जो उनके, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, गलत है, गलत उनका सोच, जो 3% में लगा ये गलत सोच है। गलत मैम, हम रात में मैम आप देख लीजिएगा, हम जैसे भिखनापाड़ी पे रहते हैं, आप देखिए लड़कियां 10 बजे तक आके मोमोज खाती हैं, चाट खाती हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि लड़कियों को 10 बजे नहीं निकलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो उनकी मर्जी है, हम लोग जज करने वाले कोई नहीं है किसी को, उनको जो पहनना है, और बिहार में हो भी रहा है। आप मैम ये गलत बात नहीं बोल रहे मैम, जैसे गवर्नमेंट से जो लड़की लड़का करता ही है, तो सरकार से यही विनती करेंगे, जैसे कुछ सिस्टम ड्यूटी से होता है मैम कि 8 बजे से हो तो 9 बजे स्टार्ट करे, और ऐसा करे कि 7-8 बजे अपना सेफ्टी से आ जाए, मतलब लड़के भी घर चले जाए और लड़कियां भी घर चली जाए, सिर्फ लड़की घर चली जाए। लड़की ने मैम मतलब क्या बने, सबको एक समान तो आप नहीं मान सकते हैं ना। अभी तो आप कह रहे थे कि लड़का लड़की एकदम बराबर है। बराबर है मैम, लेकिन कुछ लड़का हम नहीं मान सकते। आप नहीं मान सकते हैं कुछ लड़का बराबर है, आप बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, एक समान होता भी ऐसा घटना होता ही नहीं। यूपी में देखे ना घटना, यूपी में देखे ना क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, वही देखे ना, लड़की गलती नहीं मैम, हम लड़की गलती नहीं दे रहे हैं, हम लड़का दे रहे हैं। अच्छा, तो आप मान रहे हैं ना कि लड़का गलत है? लड़की गलती हमेशा कभी नहीं होता है, बट है क्या मैम, अब क्या करें, अब एक लड़का चलते सब बदनाम हो रहा है। कहीं ना कहीं माँ बाप को अपने बेटों को संभाल के रखना चाहिए। हर माँ बाप, बेटी पे देखिए मैम, हर माता पिता जो है ना बेटा को अच्छा ही संस्कार देता है, बट क्या उससे कुछ कुछ निकल जाता है गलत, तो हम यही मतलब बोलना चाहेंगे मैम कि थोड़ा, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ बेटों को ही क्यों, बेटिया को संभाला नहीं जा सकता, बेटियों को भी संभाला, बिल्कुल, जब बोले ना वो सिस्टम था, मतलब उनको था जिम्मेवारी है कि कोई भी काम पहले, लेकिन बेटियों पे जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, बेटे खुले होते हैं, आप नहीं मानते हैं ये बात, बेटी के लिए होता है कि 8 बजे घर पे आ जाना है, लेकिन बेटे अपने वक्त से, जैसे पुरुष प्रधान समाज हमारा पहले से रहा है, वैसे वैदिक काल में देखा जाए तो ऐसा नहीं था, उस टाइम में कुछ था लड़कियों को, महिलाओं को कई छूट था, लेकिन पुरुष प्रधान समाज जो है, लेकिन अब बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है लोगों का, और अब फ्रीडम दोनों को होना चाहिए और इक्वलिटी भी होना चाहिए, और इसके लिए नीतीश कुमार जी ने वैसा इनका एक काम है, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, काफ़ी अच्छा स्टेप है इनका अपग्रोथ के लिए, अपलिफ्ट के लिए महिलाओं का। और रही बात बिहार का इस मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में अदर स्टेट से काफ़ी अच्छा मानते, दिल्ली हो, यूपी हो, और भी बॉम्बे हो, उससे बहुत हमारा अच्छा बिहार है। अच्छा, जी बिल्कुल, मतलब महिलाओं की सुरक्षा का जी, मैं इसके लिए, लेकिन आप लोग अगर उनसे नाराज हैं तो वो रोजगार लेके और एजुकेशन, शिक्षा और रोजगार, ये दो ही मुद्दा हम लोग का रहेगा। आप यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करती हैं, शिक्षा और रोजगार को परिवर्तन अच्छा से करे कोई भी सरकार आए, हम लोग उससे खुश रहेंगे। अच्छा, शिक्षा देख रहे मैम, देख रहे हैं ना, जब एजुकेशन आपके अंदर आता है तो जाहिर सी तौर पर आप क्या नाम है कि रोजगार कहीं ना कहीं कर लीजिएगा, कहीं ना जॉब ले लीजिएगा। ऐसी गलती हमेशा कभी नहीं होता है, बट है क्या मैम, अब क्या करें, अब एक लड़का चलते सब बदनाम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने वैसा इनका एक काम है, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, काफी अच्छा स्टेप है इनका। अभी तो आप कह रहे थे कि लड़का लड़की एकदम बराबर है। बराबर है मैम, लेकिन कुछ लड़का हम नहीं मान सकते।